आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो डिफरेंट एग्जामिनेशन, जिसमें नेट का एग्जाम जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का एग्जाम, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, और हायर एजुकेशन के एग्जाम और नीट के एग्जाम तक वो क्वेश्चंस कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिड एम फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स इनटू एटमॉस्फेयर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल। क्लोरो फ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन पोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है और ये ओजोन डिप्लीशन के साथ जुड़ा हुआ है और इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसको फेवर करेगा। ये नेट में क्वेश्चन आ चुका है एक बार। Which of the following pairs of the gases is mainly responsible for the greenhouse effect? Ozone and ammonia, oxygen and nitrogen, nitrogen and sulfur dioxide, carbon dioxide and methane. Carbon dioxide and methane, these are responsible for the greenhouse effect. Question number three, the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 was called to reduce carbon dioxide emission and global warming. For the conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit, to access the threat posed to native species by invasive weed species, for the immediate step to discontinue use of chlorofluorocarbon that were damaging ozone layer. तो ये सेकेंड जो आंसर इसका है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थ समिट ये इसलिए हुई थी 92 के। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द रोल ऑफ एनएडी इन द सेलुलर रेस्पिरेशन? एनएडी प्लस मीन्स ऑक्सीडाइज एनएडी। इट इज ए न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर एटीपी सिंथेसिस। इट फंक्शन एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर। इट फंक्शन एज एन एंजाइम। इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर है इट फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्वेश्चन नंबर फाइव, डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स विद वन एग। नहीं, ये नहीं है। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट्स विद टू पोलर न्यूक्लियाई, ये भी नहीं है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट ऑफ पोलन ट्यूब विद टू डिफरेंट एग्स, ये तो होता नहीं है। सेकेंड होता है फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई, ये ट्रिपल फ्यूजन होता है, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है दैट इज सिंगेमी विथ ट्रिपल फ्यूजन। जो फर्स्ट वाला अल्टरनेट पॉसिबल नहीं है क्योंकि वन मेल और वन एग तो सिंगेमी कहलाएगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। तो आंसर इसका है सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीशीज ऑफ द मॉथ वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर? ये बायो इवोल्यूशन है, को इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। बनाना, यक्का, हाइड्रिला एंड वायला। यक्का जो है इसके अंदर मोथ टेजेटिकुला जो वो इन्वॉल्व होती है और ये बायो सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन द शेल? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम मैलेट यूरिक, ये एब्सिसिक एसिड जो है इसी पे कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर एट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, एनीलिंग। एनीलिंग, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन एंड एनीलिंग। डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। तो इसका आंसर होगा फोर्थ वन। सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर एनीलिंग होता है और फिर एक्सटेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम? मीन्स जो मोनोकार्पिक, मैंगो, जैक फ्रूट, बैम्बू स्पीशीज एंड पपाया। आंसर इज द बैम्बू स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर टेन, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर, 21 अप्रैल, 5 जून, 22 अप्रैल। 16 सितंबर को ये वर्ल्ड ओजोन डे बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन।
सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, ये बाद में बनते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डाटा? सेकेंडरी कंज्यूमर्स 120 ग्राम, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स 10 ग्राम। ये पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ एनर्जी, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। इसका आंसर फोर जाएगा, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास ये बनता है इस डाटा के ऊपर, क्योंकि इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का कम, सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर्स का 60 और इसका 20। क्वेश्चन नंबर 13, इन स्ट्रेटोस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्ट एज द कैटलिस्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन? आयरन, क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोराइड आयंस, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मीन्स ये जो है ओजोन उस डिप्लीशन के लिए काम आते हैं वहां पर ट्रोपोस्फेयर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, स्टोवेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय ओजोन कंसंट्रेशन, लाइट, टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर इसका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, और जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन स्टोमेटल मूवमेंट को इफेक्ट नहीं करती, लाइट इफेक्ट करती है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 15, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एलोजन, वैस्कुलर कैम्बियम, एपिकल मेरिस्टेम्स एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम्स। आंसर इसका होगा वैस्कुलर कैम्बियम, ये इसको प्रोड्यूस करता है। तो होप कि आपको ये डिस्कशन हेल्प करेगा, क्योंकि जो एग्जाम कमीशन कराते हैं, यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है, उसके अंदर क्वेश्चंस क्लासिकल को उसके अंदर से पार्ट्स में से काफी आते हैं, चाहे वो जूलॉजी का हो या बॉटनी का हो। और जो आने वाला एग्जाम है हमारा नेट का भी है, और ये जो गवर्नमेंट कॉलेज का या डिग्री कॉलेज का भी ड्यू एग्जाम है, उसके अंदर भी क्लासिकल काफी पूछा जाता है। लास्ट टाइम का जो गवर्नमेंट डिग्री का जो पेपर आया था, अभी जिसका रिजल्ट आया 2-3 दिन पहले, उसके अंदर क्लासिकल बॉटनी काफी पूछी गई थी। और जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का कॉलेज होगा या फिर जो पिछले एलटी ग्रेड और सभी एग्जाम हुए हैं, इनका लेवल वो काफी हाई लेवल का होता है, और इसके अंदर क्लासिकल बेस काफी पूछा जाता है। ये खास बात याद पड़ती है आपको। थैंक यू।